हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर या फिर COPD। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर और COPD हमारी लंग्स की डिसीज कंडीशन है, रेस्पिरेटरी डिसीज कंडीशन है। सो इसके नेम से ही क्लियर है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। सो क्रॉनिक का क्या मतलब है? लॉन्ग टर्म। सो ये डिसीज कोई शॉर्ट टर्म में या फिर शॉर्ट टाइम में डेवलप नहीं होती, इसको टाइम लगता है। स्लोली स्लोली ये डिसीज डेवलप होती है, इट मींस ये लॉन्ग टर्म से डेवलप होती है। सो इसलिए क्या है? क्रॉनिक डिसीज है। ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीजेज वो होती हैं जिनमें एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। सो इसका क्या मतलब है? जब हम एयर को इनहेल करते हैं नोज से, सो नोज के थ्रू देन वो हमारे एयर वेज के थ्रू लंग्स में एंटर होती है। सो एयर वेज से जो हमारे एयर वेज हैं, सपोज ट्रैकिया है या फिर ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स हैं, इनमें क्या आ जाएगी? कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी। सो सपोज यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है तो जो एयर है वो अंदर एंटर नहीं हो पाएगी हमारे एयर वेज में। हमारे एल्वियोलाई क्या है? जिससे एक्चुअल गैस एक्सचेंज होता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगी और जो हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर एक्सहेल होनी है हमारे नोज से, वो भी बाहर नहीं निकल पाएगी। सो क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा हमारे एयर वेज में, जिसके थ्रू एयर फ्लो लिमिटेशन हो जाएगी। जो एयर फ्लो है वो ईजिली नहीं हो पाएगा हमारे एयर वेज में। सो ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब यही है कि जो एयर है वो हमारे लंग्स में नहीं आ पाएगी और जो लंग्स में एयर है वो हमारे लंग्स से बॉडी से बाहर नहीं जा पाएगी। सो इसलिए COPD भी क्या है? एक ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज है, इसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। नाउ पल्मोनरी डिसऑर्डर हमारे लंग्स की ये डिसऑर्डर है। सो COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, इसमें क्रॉनिक मतलब बहुत टाइम से क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है हमारे एयरवेज में, जिसके कारण एयर फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा हमारे लंग्स में। नाउ COPD के अनदर नेम्स क्या है? एक तो यही हो गया क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, इसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज भी कहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज भी कहते हैं COLD कोल्ड, या फिर क्रॉनिक एयर फ्लो लिमिटेशन CALD बोलते हैं, क्रॉनिक एयर फ्लो लिमिटेशन। नाउ देयर आर मेनी ऑल्टरनेट नेम्स ऑफ COPD। सबसे पहले हम COPD की डेफिनेशन देख लेते हैं कि COPD में होता क्या है। सो COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ एयर थ्रू द एयरवेज एंड आउट ऑफ द लंग्स। सो ये मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें क्या है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी एयरवेज में, जिसके कारण जो एयर है वो लंग्स के अंदर एंटर नहीं हो पाएगी इजिली और जो एल्वियोलाई में एयर है मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे लंग्स से बाहर नहीं जा पाएगी इजिली, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। Which is progressive and irreversible. Now this is important. Progressive का क्या मतलब है? कि ये धीरे धीरे worse होती जाती है, धीरे धीरे ये और severe होती जाती है। So ये progress करती है disease, एक ही stage पर नहीं रहती। Suppose less severe थी पहले, अब severe हो गई है। So ये मतलब आगे की तरफ, मतलब severity की तरफ progress करती है, worse होती जाती है COPD. And irreversible. Irreversible का क्या मतलब है? कि ये नॉर्मल कंडीशन पर वापस नहीं आती। सो सपोज COPD पहले लेस सीवियर थी, अब सीवियर हो गई है, तो ये सीवियर से दोबारा लेस सीवियर या फिर नॉर्मल नहीं होगी, सीवियर ही रहेगी। तो ये नॉर्मल कंडीशन पर, एक बार लंग्स में जो डैमेज हो गया है वो नॉर्मल कंडीशन पर नहीं आएगा वापस COPD में। सो COPD क्या है? इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं है। बट जो इसके सिम्टम्स हैं वो हम ट्रीटमेंट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, इसको और ज़्यादा सीवियर होने से हम रोक सकते हैं ट्रीटमेंट के थ्रू, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन पर वापस नहीं ला सकते। सो दिस इज इरिवर्सिबल, COPD इज इरिवर्सिबल। नाउ COPD क्या है? एक सिंगल डिसीज कंडीशन नहीं है ये COPD, एक सिंगल डिसीज नहीं है, इसमें बहुत सारे डिसीज का ग्रुप है। सो बहुत सारे से मेरा मतलब है दो या दो से ज़्यादा डिसीजेस इसमें इंक्लूड होती हैं। सो जब दो या दो से ज़्यादा लंग डिसीजेस इसमें इंक्लूड होंगी, सो ये क्या है? एक डिसऑर्डर है, ये क्या है? एक ग्रुप ऑफ डिसीज है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर क्या है? एक ग्रुप ऑफ डिसीज है, जिसमें कौन कौन से डिसीजेस आती हैं। फर्स्ट आता है एम्फाइसीमा, सो एम्फाइसीमा। सेकेंड आता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। सो ये दोनों डिसीज कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये दोनों डिसीज कंडीशन प्रेजेंट है साथ में तो वो क्या बनेगी? COPD,
क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, ये दोनों कंडीशन मिलकर बनाती हैं। सो ये दोनों तो इम्पोर्टेंट है, इसके साथ साथ और कंडीशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि इरिवर्सिबल एस्थमा या फिर ब्रोंकाइटिस। सो इन कंडीशंस को हम अब पढ़ लेते हैं। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि सीओपीडी ये इन डिसीजेस का ग्रुप है। नाउ एम्फाइसीमा क्या होता है? एम्फाइसीमा में क्या होता है, हमें पता है कि जो हमारा ट्रैकिया है वो डिवाइड हो जाता है किसमें, प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई राइट लंग में जाता है, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में, देन प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई जो कि हर लोब में जाता है, देन सेकेंडरी से टर्शियरी ब्रोंकाई जो लंग के हर सेगमेंट में जाता है, टर्शियरी ब्रोंकाई देन और ज़्यादा स्मॉलर एयरवेज में डिवाइड हो जाता है जिनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, एंड ब्रोंक्यूल्स के एंड्स पर क्या कनेक्टेड होते हैं, एयर सैक्स। सो ये एयर सैक्स या फिर एल्वियोलाई जिनसे एक्चुअल गैस का एक्सचेंज होता है। सो इस तरह से होता है, ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये देन डिवाइड हुआ है सेकेंडरी ब्रोंकाई में, देन सेकेंडरी टर्शियरी में डिवाइड हुआ है, देन टर्शरी अगेन डिवाइड होते हैं स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में, एंड इन स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स के एंड्स पर क्या कनेक्टेड होती हैं, एल्वियोलाई, राइट। इन एल्वियोलाई के थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एंटर होती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से लंग्स के थ्रू देन नोज के थ्रू एक्सहेल हो जाती है। नाउ एम्फाइसीमा की हम बात करें कि एम्फाइसीमा में क्या होता है। सो एम्फाइसीमा क्या होता है, एम्फाइसीमा में ये जो एयर सैक्स हैं, सो ब्रोंकियोल्स के टर्मिनल्स पर क्या कनेक्टेड है, एयर सैक्स या फिर एल्वियोलाई कनेक्टेड है। एम्फाइसीमा में इन एयर सैक्स की वॉल क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। सो इन एयर सैक्स की वॉल जब डैमेज हो जाएगी तो इनकी जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी का मतलब है जो एयर सैक्स ऐसे एक्सपेंड होते थे जब एयर आती थी एंड देन रिकॉइल हो जाते थे, दोबारा अपनी नॉर्मल जो शेप है उसमें वापस आ जाते थे। सो ये इलास्टिसिटी एल्वियोलाई की वॉल्स के डैमेज होने की वजह से ये इलास्टिसिटी एल्वियोलाई लूज कर देते हैं, इलास्टिसिटी डैमेज हो जाती है। तब क्या होता है, जब इनमें इन्फ्लामेशन हो गई, सो इन्फ्लामेशन की वजह से एल्वियोलाई क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, इनकी जो वॉल्स हैं बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं और डैमेज हो जाती हैं। ब्रोंकियोल्स जो हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एयर है वो ईजिली एक्सचेंज नहीं हो पाती, एयर फ्लो में डिफिकल्टी आती है, एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाती है। सो एम्फाइसीमा में क्या होता है, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ ओवर डिस्टेंडेड एल्वियोलाई। सो एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो गई है, वो थिक हो गए हैं, एल्वियोलाई की इलास्टिसिटी लॉस हो गई है, ब्रोंकियोल्स कलैप्स हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एयर फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा। जो एयर ब्रोंकियोल्स के पीछे थी जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, सो ब्रोंकियोल्स में या ब्रोंकाई में जो एयर थी वो एल्वियोलाई के थ्रू हमारे ब्लड में नहीं जा पाती, एंड जो ब्लड जो एल्वियोलाई में एयर थी, इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो एल्वियोलाई में ऑलरेडी जो एयर प्रेजेंट थी, कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, वो एयर ट्रैप हो जाती है, यहीं पर रह जाती है और हमारे लंग्स के थ्रू बाहर नहीं जा पाती। इसका मतलब जो एल्वियोलाई में एयर है अगर वो वहीं पर ट्रैप हो गई है तो एल्वियोलाई क्या हो जाएंगे, ओवर डिस्टेंडेड हो जाएंगे। अगर ये नॉर्मल है एल्वियोलाई, सो एक्सपेंडेड या फिर डिस्टेंडेड ओवर ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाएंगे एयरवे, जो एयर इनमें प्रेजेंट थी वो ओवर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी एल्वियोलाई की, क्योंकि एयर एयर फ्लो नहीं हो पा रहा, एयर ट्रैप हो गई है एल्वियोलाई में, इसलिए ये जो एल्वियोलाई है वो डिस्टेंडेड हो जाएंगे, उनकी वॉल्स डैमेज हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, इलास्टिसिटी इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगी। सो फर्स्ट कंडीशन है एम्फाइसीमा, जो कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में होती है। सेकेंड कंडीशन है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। सो ब्रोंकाइटिस का क्या मतलब है कि ये जो ब्रोंकाई हैं या फिर ब्रोंक्यूल्स हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी। सो ब्रोंकाइटिस का मतलब है इनमें इन्फ्लामेशन हो जाना इन एयरवेज में। सो ये एयरवेज हैं ब्रोंकाई जिनके थ्रू एयर का एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू एयर ट्रैवल कर हमारे एयर सैक्स में आएगी और एयर सैक्स से ट्रैवल कर हमारे नोज के थ्रू बाहर जाएगी। सो ये जो ब्रोंकाई है इनमें इन्फ्लामेशन हो गई, जो कि क्रॉनिक है, काफ़ी टाइम से हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सेसिव म्यूकस सिक्रेट होगा। सो एक्सेसिव म्यूकस भी क्या करेगा, एक ऑब्स्ट्रक्शन कोज करेगा। जब इनकी इन्फ्लामेशन हो गई है और म्यूकस सिक्रेट हो रहा है, सो मैं म्यूकस को ब्लू से ड्रॉ कर देती हूँ। सो म्यूकस सिक्रेट हो रहा है, सो म्यूकस की वजह से क्या होगा कि एक तो जो
फर्स्ट इसमें क्या हुआ, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन हो गई है ब्रोंकाई की, जिसकी वजह से जो वॉल्स हैं ब्रोंकाई के वो थिक हो गई हैं। इन्फ्लामेशन से क्या होता है, वॉल्स थिक हो जाती है, एक्सेसिव म्यूकस भी सिक्रीट हो रहा है, जिसकी वजह से जो ब्रोंकाई है, एयरवेज हैं वो ज़्यादा नैरो हो गए हैं। सो सपोज ये है नॉर्मल एयरवे, राइट। अब इस एयरवे में क्या हो गई है, इन्फ्लामेशन हो गई है। सो ये इन्फ्लामेशन मैंने रेड से यहाँ ड्रॉ कर दी है। सो ये है इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हुआ, नैरो हो गए थोड़े से एयरवेज, क्योंकि इन्फ्लामेशन की वजह से वॉल क्या हो गई, थिक हो गई। अब यहाँ पर इन्फ्लामेशन की वजह से एक्सेसिव म्यूकस भी सिक्रीट हो रहा है, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है। सो ये है म्यूकस। सो म्यूकस की वजह से क्या हुआ है, वॉल और ज़्यादा नैरो हो गई है, एयरवेज और ज़्यादा नैरो हो गए हैं, जिसकी वजह से अब एयर का जो एक्सचेंज है वो लिमिट हो गया है, गैस एक्सचेंज में लिमिटेशन आ रही है। नाउ ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर ये दोनों कंडीशंस हैं, ये नहीं भी है, सो इट मीन्स सीओपीडी है। नाउ नेक्स्ट क्या है, इरिवर्सिबल एस्थमा। सो एस्थमा वैसे क्या होता है, रिवर्सिबल डिजीज कंडीशन होती है, ये ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती है। लेकिन एस्थमा अगर इरिवर्सिबल का मतलब है कि उस पर मेडिसिन रिस्पॉन्स नहीं कर रही है एस्थमा पे, सो वो जो इरिवर्सिबल एस्थमा है अगर वो भी इंक्लूडेड है, सो दैट इज सीओपीडी। सो एस्थमा में हमें पता ही क्या होता है कि एयरवेज में इंफ्लामेशन हो जाती है, उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर नैरोइंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। सो एस्थमा में भी क्या होता है, इंफ्लामेशन की वजह से एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीट होता है, नैरोइंग हो जाती है एयरवेज की। और एस्थमा में एक और चीज़ होती है कि एयरवेज हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। अगर इन इन्फ्लेम्ड एयरवेज में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सपोज, या फिर कोई भी एलर्जन जैसे कि पोलन ग्रेन या फिर और कोई डस्ट माइट्स अगर यहाँ पर एक्ट करती हैं इस ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड एयरवे पे, तो ये हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, एयरवेज हाइपर रिस्पॉन्स शो करेंगे। सो एस्थमा में क्या होता है, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होती है, हाइपर रिस्पॉन्स या फिर हाइपर एक्टिव हो जाती है एयरवेज। नाउ लास्ट इज ब्रोंकाइएक्टेसिस। सो ब्रोंकाइएक्टेसिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन्फ्लामेशन किसी भी चीज़ से हो सकती है, ब्रोंकाई की कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। सो इन्फ्लामेशन की वजह से वहाँ म्यूकस सिक्रीट होता है, और ये म्यूकस वहीं पर चिपक जाता है, जो ब्रोंकाई है उनकी वॉल्स में म्यूकस चिपक जाता है। ज़्यादा म्यूकस वहाँ एक्यूमुलेट होने के कारण, स्टिक होने के कारण क्या होता है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं, म्यूकस और ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रही है। तो ये इस कंडीशन में बेसिकली क्या होता है ब्रोंकाइएक्टेसिस में, कि म्यूकस की एक्यूमुलेशन होती रहती है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन भी होती है और इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नाउ ये फोर डिसीजेज सीओपीडी को बनाती हैं, ये सीओपीडी में या फिर आप कह सकते हैं कि ये फोर डिसीजेज इंक्लूड हैं। अब ये फोर डिसीजेज का जो नटशेल है, जो क्या क्या पॉइंट्स निकलते हैं, फर्स्ट पॉइंट तो ये निकलता है इन्फ्लामेशन। सो जो एयरवेज हैं, चाहे वो हमारे ब्रोंकाई हो या हमारे एल्वियोलाई हो, जिनके थ्रू एक्चुअल गैस एक्सचेंज होता है, उनमें क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन। सो इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है, ये रेड हो जाती है, इनकी जो वॉल्स हैं वो ज़्यादा थिक हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। वॉल थिक होने की वजह से क्या होगा, अगर कोई चीज़ इतनी पहले एक्सपेंडेड है, इतनी इसमें स्पेस है एयर के जाने में, लेकिन अब इन्फ्लामेशन होने की वजह से, ये इन्फ्लामेशन हो गई, सो इन्फ्लामेशन होने की वजह से जो स्पेस है अंदर, ल्यूमन है, वो कम हो गया, इसलिए गैस का एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, एयर का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, और एयर फ्लो लिमिटेशन हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। सो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन्फ्लामेशन। सेकेंड चीज इसमें क्या होती है, म्यूकस की सिक्रीशन। सो म्यूकस बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है सीओपीडी में, म्यूकस एक्यूमुलेशन होता है। सो ब्लू कलर से मैं म्यूकस शो कर रही हूँ। सो ये म्यूकस भी आ गया, अब म्यूकस की वजह से क्या हुआ है, और ज़्यादा नैरो हो गए हैं एयरवेज में, अब बिल्कुल भी गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, बहुत ही लिमिटेड, काफ़ी लिमिटेड गैस एक्सचेंज होगा, एयर बहुत ही डिफिकल्टी से पास होगी इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द लंग्स। नाउ थर्ड थिंग क्या है, इन्फ्लामेशन भी है, म्यूकस भी है बहुत ज़्यादा। सो म्यूकस किसको इनवाइट कर रहा है, बैक्टीरिया वायरसेस को, सो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इन्फेक्शन के रिस्क भी बढ़ जाता है सीओपीडी में। नाउ इन्फ्लामेशन है, म्यूकस है, इन्फेक्शन भी है, सो वॉल क्या हो गई है,
चाहे वो एल्वियोलाई की वॉल है या फिर ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स की वॉल है, वो क्या हो गई है, डैमेज हो गई है। वॉल डैमेज होने की वजह से क्या होगा, इलास्टिसिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जो हमारे एयरवेज में इलास्टिसिटी की पावर है एक्सपेंड होने की, दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आने की जो कैपेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, इलास्टिसिटी प्रेजेंट नहीं होगी, इलास्टिसिटी भी डैमेज हो जाएगी। नाउ यहाँ पर हमारे जो एयरवेज हैं उन पर स्मॉल सीलिया प्रेजेंट होती हैं। सो ये हमारे एयरवेज हैं और इन पर हेयर लाइक सीलिया प्रेजेंट होती हैं। सो ये सीलिया क्या करते हैं, म्यूकस को एक्सपेल करते हैं, ये ऐसे मूव करते हैं और म्यूकस को हमारे लंग से बाहर निकालते हैं। लेकिन इन्फ्लामेशन की वजह से ये सीलिया भी डैमेज हो जाते हैं। सो सीलिया डैमेज हो गए, सो म्यूकस हमारे बॉडी जो लंग्स है उससे बाहर नहीं जा पाएगा, म्यूकस वहीं एक्यूमुलेट होता रहेगा एयरवेज में। सो नेक्स्ट थिंग क्या है, सीलिया भी डैमेज हो गए हैं जो हमारे एयरवेज में प्रेजेंट होते हैं। सो ये सारी कंडीशंस मिलकर क्या बनाती हैं, COPD बनाती हैं, दैट इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, जो कि इरिवर्सिबल है। अब इतना सारा डैमेज दोबारा नॉर्मल कंडीशन पर नहीं जा पाता, इसलिए ये कंडीशन क्या है, इरिवर्सिबल है। सो इन कंडीशंस की वजह से क्या होगा, जो हमारे एयर सैक्स हैं या फिर एयरवेज हैं वो क्या करेंगे, हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे। कोई भी एंटीजन हो चाहे या फिर कोई और एलर्जन हो, जैसे कि पोलन हो, डस्ट हो, सो उसके लिए हाइपर रिस्पॉन्स शो करेंगे, जो कि एस्मा में भी होता है। सो ये सारी कंडीशंस मिलकर क्या करेंगी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज या फिर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर को कोर्स करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, एयर एंटर नहीं हो पाएगी लंग्स में, या फिर जो प्राइमली इसमें क्या होता है कि जो एयर सैक्स में एयर प्रेजेंट है वो वहीं पर ट्रैप हो जाएगी और वो बाहर नहीं जा पाएगी हमारे लंग्स से। सो इस कंडीशन की वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्टी आएगी, बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, डिस्निया हो सकता है, म्यूकस बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है। सो कफ के साथ क्या होगा, म्यूकस भी आएगा कफ के साथ, और क्या होगा, और चेस्ट टाइटनेस फील होगी, चेस्ट क्योंकि अच्छे से हम ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे, इतनी सारी कंडीशन हो रही है, सो चेस्ट टाइटनेस फील होगी। सो ये सारी कंडीशंस मिलकर क्या कॉज करती हैं, COPD। नाउ कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ COPD, सो क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से COPD डेवलप होता है। सो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉज क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। सो अगर कोई पर्सन लॉन्ग टर्म से सिगरेट स्मोक कर रहा है, सिगरेट स्मोकिंग क्या है, अगर कोई लॉन्ग टर्म से सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है तो वो स्लोली स्लोली क्या कर रहा है, हमारे एयरवेज को इरिटेट कर रहा है, इन्फ्लेम कर रहा है, जिसकी वजह से COPD डेवलप होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो कॉज है COPD का वो क्या है, सिगरेट स्मोकिंग, लॉन्ग टर्म सिगरेट स्मोकिंग। एंड अदर इरिटेंट का मतलब है, अगर आप सेकेंड हैंड स्मोक से एक्सपोजर कर रहे हैं, लाइक सपोज आपके पास कोई स्मोकिंग कर रहा है एंड आप उससे एक्सपोज हो रहे हैं लॉन्ग टर्म से, सो वो भी एक रीजन हो सकता है कि सेकेंड हैंड स्मोकर में भी वो जो COPD है वो डेवलप हो सकता है। सिगरेट स्मोकिंग से भी हो सकता है, सिगार स्मोकिंग से हो सकता है, कोई एयर पोल्यूशन की स्मोक है, एयर पोल्यूशन के पास आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं एयर पोल्यूशन से, तो भी हो सकता है, डस्ट से बहुत ज़्यादा आप एक्सपोज हो रहे हैं, या फिर कोई और स्मोक है जिससे आप एक्सपोज हो रहे हैं। सो अदर इरिटेंट से भी COPD डेवलप होता है, जो कि लॉन्ग टर्म से आपके जो एयरवेज हैं उनको इरिटेट कर रहा है। देन है एम्फाइसीमा। सो एम्फाइसीमा तो हमने देख ही लिया। सो एम्फाइसीमा क्या है, हमारे जो एयर सैक्स हैं एल्वियोलाई उनकी वॉल्स में डैमेज हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गई है, इलास्टिसिटी लॉस हो गई है। सो एम्फाइसीमा एंड देन नेक्स्ट है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। सो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या है, जो हमारे ब्रोंकाई है उनमें क्रॉनिक टाइम से, काफ़ी टाइम से इन्फ्लामेशन हो रही है, जिसकी वजह से नैरोइंग हो गई है इन्फ्लेम्ड एयरवेज में एंड म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है। सो एम्फाइसीमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ये दोनों क्या है, ये भी कॉज है, ये एक्चुअली दोनों अगर डिसीज कंडीशन प्रेजेंट है तो क्या है, COPD। देन अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। सो अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी भी एक कॉज है COPD का। सो अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे लीवर से प्रोड्यूस होता है। अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन की जो डेफिशिएंसी है, सो दैट इज ट्रिप्सिन। सो अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन का क्या रोल होता है, ये हमारे लंग्स को इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और इरिटेशन से प्रोटेक्ट करता है। सो अगर इसकी ही डेफिशिएंसी है हमारे ब्लड में, सो क्या होगा कि COPD ईजिली डेवलप हो जाएगा। सो इसकी जो डेफिशिएंसी है वो जेनेटिक हो सकती है, इसलिए जेनेटिक भी एक कॉज हो सकता है COPD का डेवलप होने का। नाउ
और क्या रिस्क फैक्टर्स है? एक्सपोजर टू स्मोक. सो स्मोक मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, चाहे वो आप सेकेंड हैंड स्मोक से एक्सपोजर हो रहे हैं, आप खुद स्मोकिंग नहीं करते लेकिन स्मोक से आपका एक्सपोजर हो रहा है, एयर पोल्यूशन से हो रहा है एक्सपोजर, या फिर आपके कोई फ्यूम से, जैसे बर्निंग फ्यूल होता है जो उनसे फ्यूम्स निकलती हैं उनसे एक्सपोजर हो रहा है, या फिर और कोई चूल्हा स्मोक है या फिर एयर पोल्यूशन की स्मोक है, सो उनसे आपका एक्सपोजर हो रहा है. बेसिकली स्मोक से अगर एक्सपोजर हो रहा है तो आपके जो एयरवेज है वो इरिटेट हो रहे हैं और COPD डेवलप हो सकती है. देन एस्मा. सो एस्मा भी एक रिस्क फैक्टर है. अगर आपको एस्मा है, आपके जो एयरवेज हैं वो नैरो हैं, इन्फ्लेम्ड हैं, म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, हाइपर रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं कोई भी इरिटेंट के लिए. एस्मा में क्या होता है, एयरवेज हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं कोई भी, अगर हाइपर एक्टिव हो जाते हैं कोई भी एलर्जन के लिए, अगर कोई भी चाहे वो डस्ट हो, पोलन हो, एंटीजन हो, उसके लिए हाइपर रिस्पॉन्स शो करते हैं. सो एस्मा भी क्रॉनिक टाइम से अगर आपको एस्मा है सो वो COPD डेवलप हो सकता है. देन है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू डस्ट एंड केमिकल्स. नाउ जो एस्थमा है, अगर एस्थमा आपको है और आप स्मोकिंग भी करते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं इंक्रीज COPD के. देन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू डस्ट एंड केमिकल्स. ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर का मतलब है कि फैक्ट्री से या फिर जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पर आपका डस्ट और केमिकल से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, तो वो क्या करेंगे, इरिटेट करेंगे आपके एयरवेज को, इन्फ्लामेशन कोज करेंगे, जिसकी वजह से नैरोइंग होगी, एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होगी एंड अल्टीमेटली COPD डेवलप होगी. देन एक्सपोजर टू फ्यूम्स फ्रॉम बर्निंग फ्यूल. बर्निंग फ्यूल से जो फ्यूम्स निकलती हैं अगर उनसे आप एक्सपोजर में हैं ज़्यादा तो भी आपकी वॉल्स इरिटेट हो सकती हैं एयरवेज की और COPD डेवलप हो सकती है. देन जेनेटिक भी होता है. जेनेटिक कैसे होता है, α1 एंटीट्रिप्सिन की अगर डेफिशिएंसी है, जेनेटिक है वो, तो वो लाइक फैमिली टू फैमिली भी ये COPD डेवलप हो सकती है. नाउ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ COPD. COPD का जो पूरा प्रोसेस है, ये डिसीज कंडीशन कैसे डेवलप होती है वो हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी में. सो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ COPD ड्यू टू कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ COPD. सो जो भी हमने कॉजेज और रिस्क फैक्टर पीछे पढ़े हैं, वेदर इट इज स्मोकिंग, सेकेंड हैंड स्मोक, या फिर α1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, एस्मा, सो कोई भी कॉज या फिर रिस्क फैक्टर्स हो सकता है COPD का, उसकी वजह से क्या होगा, पहले हम एक इसका स्टेज देख लेते हैं, देन हम दूसरे पोर्शन पर जाएंगे. एक पोर्शन में क्या हो रहा है, कंटिन्यूअल ब्रोंकियल इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन. सो कंटिन्यूअल ब्रोंकियल, जो हमारे ब्रोंकाई हैं, चाहे वो लार्जर ब्रोंकाई हैं या स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स, उनमें क्या हो रहा है, कंटिन्यू इरिटेशन. इरिटेशन किसी भी वजह से हो सकता है जो हमने पीछे कॉजेस पढ़े थे. देन उनमें क्या हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है, जिसकी वजह से दो कंडीशन होंगी. एक तो होंगी म्यूकस हाइपर सिक्रीशन, म्यूकस की हाइपर सिक्रीशन होगी, म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट होगा. सीलियरी डिसफंक्शन, जो सीलिया मैंने बताए जो कि वॉल्स पर प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस को एक्सपेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, वो सीलिया क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे. उनकी वजह से क्या होगा, एडिमा एंड स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन. एडिमा होगा, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होगी और स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा. एडिमा फ्लूइड भी हो सकता है, म्यूकस भी हो सकता है, वहीं पर वो एक्यूमुलेट होता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, नैरोइंग हो जाएगी स्मॉलर एयरवेज की. अगर उनमें म्यूकस एक्यूमुलेट हो गया, ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो गई है, तो क्या होगा, एयरवेज क्या हो जाएंगे, नैरो हो जाएंगे, जिनकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, एयरवे इजली एक्सचेंज नहीं हो पाएगी, एयर फ्लो नहीं कर पाएगी. नाउ सेकंड थिंग क्या होगी, इंक्रीज इंफ्लामेटरी मेडिएटर. जब भी इन्फ्लामेशन होती है एयरवेज में तो क्या होती है, इंफ्लामेटरी मेडिएटर्स वहां पर पहुंच जाते हैं, जैसे कि साइटोकाइंस. सो ये इंफ्लामेटरी मेडिएटर्स जब वहां पर पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, फाइब्रोसिस एंड थिकनिंग हो जाएगी ब्रोंकियल वॉल की. जो ब्रोंकाई की वॉल्स हैं उनमें फाइब्रोसिस, हार्डनिंग हो जाएगी और थिकनिंग हो जाएगी. मीन्स फाइब्रोसिस की वजह से क्या होगा, इलास्टिसिटी नहीं रहेगी वॉल्स में. इनकी वजह से भी क्या होगा, दोनों चीज़ें मिलकर क्या करेंगी, नैरो करेंगी एयरवे को, एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन करेंगी एंड अल्टीमेटली कौन सी कंडीशन हो जाएगी, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. नाउ सेकेंड पोर्शन में क्या है, α1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी. सो α1 एंटीट्रिप्सिन क्या करता है, इरिटेशन से, इन्फ्लामेशन से प्रिवेंट करता है, इलास्टिसिटी को बनाए रखता है लंग्स की. नाउ इसमें क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ इलास्टिन इन कनेक्टिव टिश्यू ऑफ लंग्स. जो हमारे लंग्स में या फिर एयरवेज में जो इलास्टिसिटी है वो ब्रेकडाउन हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलास्टिक रिकॉयल ऑफ ब्रोंकियल वॉल. जो ब्रोंकियल वॉल में एक्सपेंशन होती थी, एयर जब आती थी एक्सपेंशन होती थी, दोबारा रिकॉयल
रिकॉयल होते थे, वो रिकॉयल और इलास्टिसिटी क्या हो रही है, लॉस हो गई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर वॉल्स एंड कैपिलरीज। एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं वो डिस्ट्रक्ट हो गई हैं, कैपिलरीज डिस्ट्रक्ट हो गई हैं। नाउ इसमें दो चीज़ें होंगी, अगर इलास्टिसिटी नहीं होगी एयरवेज इन्फ्लेम हो जाएंगे तो क्या होगा, एयर स्पेसेस एनलार्ज हो जाएंगे। सो ये अगर नॉर्मल एयर स्पेस है तो ये एनलार्ज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इलास्टिसिटी डिस्ट्रक्ट हो गई है, इन्फ्लामेशन हो गई है और एयर यहीं पर ट्रैप हो गई है। एयर ट्रैपिंग की वजह से जो एयर सैक्स हैं वो डिस्टेंड हो जाएंगे, हाइपर इन्फ्लेट हो जाएंगे और एनलार्ज हो जाएंगे। एयर ट्रैपिंग ऑन एक्सपिरेशन, जब एक्सपायर करेंगे, एक्सपेल करेंगे एयर को, तो एयर क्या है, एक्सपेल नहीं हो पाएगी और एयर यहीं पर ट्रैप रह जाएगी, सो एयर ट्रैपिंग होगी। इम्पेयर्ड गैस डिफ्यूजन, इम्पेयर्ड गैस डिफ्यूजन का क्या मतलब है कि जो CO2 एयर सैक से देन हमारे लंग्स से बाहर जानी थी नोज के थ्रू एंड ऑक्सीजन अंदर आनी थी हमारे ब्लड में, सो ये क्या होगी, इम्पेयर्ड हो गई, गैस का जो डिफ्यूजन है या गैस का जो एक्सचेंज है वो भी इम्पेयर्ड हो जाएगा एंड अल्टीमेटली ये सारी कंडीशंस क्या कोज करती है, एम्फाइसीमा। सो एम्फाइसीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये दो कंडीशन मिलकर क्या करेंगी, COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज को कोज करेंगी। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ COPD, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मतलब साइन एंड सिम्टम्स। सो क्या क्या सिम्टम्स और साइन शो होंगे जब पर्सन को COPD होगा। सो फर्स्ट सिम्टम है क्रॉनिक कफिंग। सो क्रॉनिक कफिंग, पर्सन को बहुत ज़्यादा टाइम से कफ हो रही होगी एंड कफ के साथ वो स्पूटम एक्सपेल करेगा। सो स्पूटम क्या है, म्यूकस, जो म्यूकस अंदर एयरवेज में एक्यूमुलेट हो गया है वो कफ के साथ आएगा एंड वो म्यूकस क्या होगा, थिक होगा और क्लाउडी होगा, दैट इज स्पूटम या फिर फ्लैम उसको बोलते हैं। देन सेकेंड आता है डिस्निया। सो क्योंकि एयरवेज बहुत ज़्यादा नैरो हो गए हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो गई है, इलास्टिसिटी नहीं रही, इसलिए इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा, डिस्निया कॉज होगा। डिस्निया क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। सो पर्सन को डिफ़िकल्टी होगी ब्रीदिंग के ब्रीदिंग करने में, क्योंकि जो एयर है वो वहीं ट्रैप हो गई है ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, नैरोइंग के कारण एयर बाहर नहीं जा रही, इसलिए डिस्निया। देन थर्ड इज व्हीजिंग। व्हीजिंग क्या होता है, विस्लिंग साउंड ड्यूरिंग ब्रीदिंग। अब ये विस्लिंग साउंड क्यों आएगी, जब एयरवेज नैरो हो गए हैं, उनमें म्यूकस एक्यूमुलेट हो गया है, सो जब एयर बाहर बहुत डिफिकल्टी से बाहर हम एक्सपेल करेंगे एयर को, तो क्या आएगी, विस्लिंग साउंड आएगी, क्योंकि एयर इजिली नहीं जा रही, नैरो एयरवेज से होते हुए जा रही है, सो एक विसल साउंड आएगी ब्रीदिंग करते टाइम, जिसको बोलते हैं व्हीजिंग। देन चेस्ट टाइटनेस। चेस्ट टाइटनेस क्यों फील होगा, जो टाइटनेस है चेस्ट में फील होगी, क्योंकि एक तो ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, बहुत ज़्यादा नैरोइंग है एयरवेज में, म्यूकस एक्यूमुलेट है वहाँ, इन्फ्लामेशन है, पर्सन का बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है ब्रीदिंग में, इसलिए चेस्ट टाइटनेस फील होगी। देन फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, पर्सन की ऑलरेडी काफ़ी क्रॉनिक टाइम से क्या है, म्यूकस वहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रही है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एक वीक एयरवेज पर अटैक करने की, इसलिए रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है जल्दी से जल्दी या फिर फ्रीक्वेंट बार बार होते हैं। देन एनलार्ज एल्वियोलाई, जो एल्वियोलाई है वहीं पर एयर ट्रैप हो जाएगी, जो एयर अंदर आनी थी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो नहीं आ पाएगी, जो बाहर जानी थी CO2 वो नहीं जा पाएगी, इसलिए एल्वियोलाई क्या हो जाएंगे, उनका साइज नॉर्मली से एक्सपेंड हो जाएगा, डिस्टेंडेड हो जाएगी वो, जिनको बोलते हैं एनलार्ज एल्वियोलाई, जिसकी वजह से लंग्स का थोड़ा सा डायमीटर भी इंक्रीज होगा। देन वेट लॉस हो सकता है पर्सन, क्योंकि ब्रीदिंग में उसका बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, एनर्जी लग रही है, तो वो फूड की इनटेक कम कर देता है, दैट इज द रीजन कि वेट लॉस हो सकता है। नाउ एडवांस सिम्टम्स कब हो सकते हैं, जब बहुत ज़्यादा सीवियर है COPD। सो फर्स्ट इसका है साइनोसिस। सो साइनोसिस क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। सो साइनोसिस में क्या होगा, जो हमारे लिप्स हैं और नेल्स हैं वो ब्लू कलर के हो जाएंगे, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगी उनमें। साइनोसिस क्या शो कर रहा है, कि ऑक्सीजन अच्छे से एंटर नहीं हो पा रही हमारी बॉडी में, जो हमारा ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की लेवल कम हो गई है, इस वजह से साइनोसिस शो हो रहा है, विच इज एडवांस सिम्टम है, ये सीवियर COPD पे शो होता है। देन मॉर्निंग हेडेक। मॉर्निंग टाइम में हेडेक क्यों होगा, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी वहीं ट्रैप हो गई है। सो ये हमारी नॉर्मल एल्वियोलाई है, कार्बन डाइऑक्साइड इसी में ही ट्रैप हो गई है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा पा रही,
ना ही ऑक्सीजन अंदर आ पा रही है अच्छे से। सो CO2 का लेवल ज़्यादा होने से हमारी बॉडी में मॉर्निंग हेडेक हो सकते हैं। देन वेट लॉस का मैंने रीज़न बता दिया, पुअर इनटेक ऑफ फूड की वजह से, क्योंकि एनर्जी ऑलरेडी ब्रीदिंग में ज़्यादा लग रही है पर्सन की। देन हीमोप्टिसिस क्या होता है, जब कफ करते हैं तो ब्लड भी आ सकता है कफ के साथ, म्यूकस के साथ ब्लड भी आ सकता है। ये क्यों आ सकता है ब्लड, क्योंकि जो अंदर एयरवेज है, जो लाइनिंग है एयरवेज की, उनमें क्या हो गया, डैमेज हो गया है। सो डैमेज की वजह से ब्लड भी आ सकता है। देन स्वॉलन फीट एंड एंकल, नाउ जो हमारे फीट है या फिर एंकल्स हैं उनमें स्वेलिंग हो जाएगी, वो इस वजह से होगी क्योंकि जो हमारे लंग्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे, तो हमारे हार्ट को जो है ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़ रहे हैं ब्लड को पंप करने के लिए। सो हार्ट एक्सेसिव ब्लड पंप कर रहा है क्योंकि ऑक्सीजन लंग्स से एंटर नहीं हो पा रही बॉडी से। सो एक्सेसिव वर्कलोड हार्ट पर पड़ रहा है जिसके कारण फीट और एंकल में स्वेलिंग नजर आएगी। सो वो एक साइन है कि हमारे हार्ट पर एक्सेसिव वर्कलोड हो रहा है। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2 ऑफ द COPD एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। ऑल्सो डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।